नमस्ते दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारत के ऐसे चर्चित इतिहास के विषय में जो है धारा 370, जिसका चर्चा ना केवल भारत में है, वो पाकिस्तान में भी उस चीज की चर्चा चलती है। इस विषय पे हम चर्चा करेंगे। आज मेरे एक मित्र हैं विराज दुबे, जिनको इनके ऊपर बहुत ही अच्छा नॉलेज है। हम इस चीज को, ये नॉलेज को आगे शेयर करेंगे हमारे भारतवासी के हर एक जनता को मालूम पड़ना चाहिए कि क्यों धारा 370 हमारे देश में लागू है। आइए बात करते हैं विराज दुबे जी के साथ। क्या है विराज दुबे जी, धारा 370 का सच्चाई? सबसे पहले जय हिंद दोस्तों। देखिए अनुराग जी, आपने धारा 370 का जो नाम लिया है, ये बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है हमारे देश में। तो अगर हम धारा 370 के विषय में बात करना चाहते हैं, तो हमें पहले भारत के इतिहास की तरफ एक झलक देखना पड़ेगा, जिसे भारत का एकीकरण नाम से जाना जाता है। तो आपका कहना है कि भारत के एकीकरण हमें जानना बहुत ही जरूरी है। आइए बात करते हैं भारत के एकीकरण क्या है। देखिए अनुराग जी, हम सबको पता है कि जो हमें आज़ादी मिली थी वो 15 अगस्त 1947 को मिली थी, और जो हमारा संविधान निकला हुआ जिसे बोला है 26 जनवरी 1950। तो ये सारी घटनाओं के पीछे कुछ ऐसे तथ्य थे, जब हमें आज़ादी मिली और हमारा संविधान लागू हुआ। तो हम बात करते हैं भारत के एकीकरण की तरफ। तो सबसे पहले जो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट था, वो पार्लियामेंट में पारित होता है 1947 में। अगर उस समय देखा जाए तो हमारे देश में, हमारे भारतवर्ष में, अखंड भारत में, उस समय टोटल 565 रियासतें थी, 565 रियासतें थी। अब अगर हम पाकिस्तान को अलग भी कर दें, हमारे देश से जब डिवाइड हुआ, पाकिस्तान का डिवीजन हुआ, तो 530 करीबन 530 रियासतें हमारे हिंदुस्तान में थी। तो जो रियासतें थी वो रियासतें सिर्फ भारत से नहीं मिलना चाहती, उनमें से कुछ का मत था कि वो पाकिस्तान के साथ में विलय करें, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करें, लेकिन जो कंडीशंस थी उसमें भारत के अगेंस्ट थी, जिसके बारे में जैसे आपने अभी बोला कि धारा 370। तो अगर सारी रियासतें भारत से मिल ही जाती तो धारा 370 की जरूरत नहीं पड़ती। आपने सही बोला ये बात है। तो जब अंग्रेज हमारे देश से जाने लगे, तो उन्होंने जितनी भी रियासतें थी उनके सामने तीन ऑप्शन रखे, तीन कि तो पाकिस्तान के साथ में विलय करें, मतलब पाकिस्तान में मिक्स हो जाए, या फिर इंडिया में मिक्स हो जाए, या खुद को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करें। तो पाकिस्तान के साथ तरफ से भी काफ़ी तैयारियां हुई रियासतों को एकत्रित करने का, क्योंकि पाकिस्तान भूखा था। उसको एक बड़ा भूभाग चाहिए था, क्योंकि भूभाग सबको चाहिए रहता है। अगर आज की भी जीवनी में देखा, सबको घर चाहिए, सबको जगह चाहिए, तो पाकिस्तान को भी चाहिए था। तो जो भारत में अनफॉर्चुनेटली सरदार पटेल हमारे आयन में, वो प्रधानमंत्री नहीं बन सके, नेहरू जी। अगर देखा जाए उस समय सरदार पटेल, तो मेरा ये ओपिनियन है, यहाँ पे ओपिनियन है, लेकिन मैं अपना पर्सनल व्यू रखना चाहता हूँ कि भारत की जो स्थिति होती है, जो कश्मीर की स्थिति आज बहुत अलग होती है, काफ़ी उमदा अच्छी होती है, मतलब अच्छी होती, काफ़ी अच्छी होती। तो हम देखते हैं जब प्रधानमंत्री बने, तो जो उप प्रधानमंत्री का पद था वो मिला सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिला, और जो हमारे गृह मंत्री थे, होम मिनिस्टर, जो इस समय अमित शाह जी हैं, मतलब सरदार पटेल बने। अब क्या जब गठन हुआ रियासत मंत्रालय का, क्योंकि सारी रियासतों को एक करना था, सबको एक ही डोरी में बांधा था, तो फिर मंत्रालय का जो प्रमुख बनाया गया, वो बनाया गया हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल को, क्योंकि जो उनकी आकांक्षाएं थी, मतलब देखा जाए तो वो बहुत गर्म मिजाज के व्यक्ति थे, वो वही हैंडल कर सकते थे, क्योंकि वो बुद्धि भी में भी बहुत आगे थे। आयरन मैन का प्रस्ताव मिला था, दर्जा मिला था। अब यहाँ पे आती है बात, जो हमारे रियासत मंत्रालय का सचिव बनाया गया, वो बनाया गया है वीपी मेनन। अगर देखा जाए जो भूमिकाएं हैं रियासत को एक करने की, जो भूमिकाएं हैं, फिर मंत्रालय का जो प्रमुख बनाया गया, वो बनाया गया हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल को, क्योंकि जो उनकी आकांक्षाएं थी, मतलब देखा जाए तो वो बहुत गर्म मिजाज के व्यक्ति थे, वो वही हैंडल कर सकते थे, क्योंकि वो बुद्धि भी में भी बहुत आगे था। आयरन मैन का प्रस्ताव मिला था, हाँ, दर्जा मिला था। अब यहाँ पे आती है बात, जो हमारे रियासत मंत्रालय का सचिव बनाया गया, वो बनाया गया है वीपी मेनन।
अगर देखा जाए जो भूमिकाएं हैं रियासत को एक करने की, जो भूमिकाएं हैं रियासत को एक करने की, उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल और वी पी मेनन दोनों का सहयोग है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो सारी रियासतें थी। तो अनुराग भाई, आप एक चीज नोटिस कीजिए यहाँ पे, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उनका मिजाज, उनकी बुद्धि, ओके, मतलब बहुत चालाक थे और बहुत गर्म मिजाज के भी थे। तो जितनी भी रियासतें थी उनके पास जाते थे, बोलते थे कि आपको भारत में मिलना है, तो रियासतें मतलब अपनी कुछ कंडीशंस रखती थी, कि हम आपके साथ विलय तो कर लेंगे लेकिन भारत का क्या हाथ, मतलब भारत का क्या वर्चस्व उसके ऊपर रहना चाहिए, हाँ वो डिसाइड करेंगे। ओके, मतलब भारत है भारत, हाँ इन राज्यों में, इन राज्यों में सरदार वल्लभ भाई पटेल यहाँ पे हर एक कंडीशन उनकी मान जाते थे। उनकी बड़ी अच्छी सोच थी, उनकी सोच क्या थी, कोई बात नहीं अभी आप कंडीशन रख रहे हो ना, बाद में हम देख लेंगे। क्या काफ़ी कम लोग जानते हैं, हम लोग जब 15 अगस्त को मनाते हैं तो हम लोग बस ये सोचते हैं कि हमें आज़ादी इंग्लैंड से ब्रिटिश से मिली थी, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उस समय हमारे भारत पर फ्रांस और पुर्तगाल दोनों का कब्जा था। ओके, यस इट्स अ वेरी राइट, फ्रांस और पुर्तगाल ने भी हमारे कई सारे हिस्सों पर कब्जा किया हुआ। तो देखा जाए तो जो फ्रांस के पास में हमारी टोटल 5 टेरिटरी थी, कौन से कौन सी थी? देखो सबसे पहले आता है चंद्रनगर, जो इस टाइम पे वेस्ट बंगाल में आता है। उसके बाद माहे जो हिस्सा है अभी केरल का। उसके बाद हमारा आता है यनम, आंध्र प्रदेश का जो हिस्सा रह चुका है आंध्र प्रदेश का। करेकल है, करेकल सब जानते ही हैं। उसके बाद है पांडुचेरी, और जो करेकल है, करेकल जब हम पांडुचेरी की तरफ बढ़ेंगे चेन्नई से तो वहाँ 150 किलोमीटर अंतर में करेकल पड़ता है। अब आता है पुर्तगाल, अगर पुर्तगाल में देखें तो पुर्तगाल के पास में हमारा गोवा था, जो आज का हमारा एक बहुत अच्छा बीच, हमारा काफ़ी टूरिज्म सेंटर वाला, एक इंडिया का काफ़ी अच्छा जाना माना प्लेस है गोवा। हाँ, गोवा के पास आता है दमन, दीव, और जो दादर नगर हवेली, सारी यूनियन टेरेटरीज, ये सब थी हमारी पुर्तगाल के पास। तो यहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे देश से अंग्रेज जा रहे थे, ना कि फ्रांस और पुर्तगाल जा रहा था। तो यहाँ पे बात आती है कि पहले हम पुर्तगाल के विषय में बात करेंगे। जो पुर्तगाल था, जो पुर्तगाल को भारत ने देखा कि अगर हम, जो हमने अखंड भारत की जो सोच रखी है, रचना हम लोगों ने सोच थिंकिंग की है, उसके हिसाब से देखा जाए तो पुर्तगाल और फ्रांस दोनों का यहाँ से जाना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। तो फिर पुर्तगाल में जो दमन और दीव था, ये बने मेन हमारे हिस्से, वो भी कैसे बने कि दमन और दीव में बहुसंख्यक थे हिंदू। ओके, हिंदू काफ़ी ज़्यादा थे। तो आज़ादी की लड़ाई तो हर एक जगह चल रही थी, तो वहाँ पे भी चिंगारी भड़कना कोई आम बात नहीं थी, जो कि वाजिब था वो चीज़ है। तो पुर्तगाल में, पुर्तगाल की जो टेरिटरी थी दमन, वहाँ पे आवाज़ उठती है, क्रांतिकारी आवाज़ उठती है, तो उसको दबाने के लिए पुर्तगाल ने क्या सोचा, दियो और गोवा साइड में उसके जो डिफेंस वगैरह, मतलब जितने भी सैनिक वगैरह पड़े हैं, जो भी हथियार पड़े हैं, उससे आवाज़ को दबा दी जाए। ओके, लेकिन भारत ने क्या किया, जो बीच का हिस्सा आता है भारत की टेरिटरी में, भारत के हिस्से में आता है, तो भारत ने क्या बोला कि ना ही हम आपको अपना थल मार के दे सकते हैं, नहीं मैं आपको जमीनी रास्ता दे सकता हूँ, नहीं आप हमारे एयर स्पेस लो, बाकी आपको जो करना है आप कर सकते हो। तो मतलब कोई मौका ही नहीं दिया। लेकिन यहाँ पे खास बात है, पुर्तगाल इस बात के लिए यूएन चला गया। ओके, कि देखिए हमें रास्ता नहीं दे रहे हैं, हम कहाँ से जाएँ, ओके हमें ज़रूरत है डिफेंस की वगैरह, जो भी अपनी राय रखनी थी उसने रखा। बात यहाँ पे देखिए कि यूएन का जो फैसला है इस बात पे, वो 4 साल बाद आया, तब तक क्या हुआ उसके भी, तब तक कुछ नहीं हुआ, तब तक देखा जाए तो पुर्तगाल भी समझ चुका था, क्योंकि कोई भी देश जो होता है वो स्वतंत्र होता है कि हम अंतर्राष्ट्रीय जो देश हैं उनके साथ अपनी कितनी सीमाएं और किस हद में हम साझा कर सकते हैं, इस चीज़ मतलब अभी भी ये लागू है, अभी भी लागू, जो पाकिस्तान है, जो कि हमारा है, आज नहीं तो कल हो ही जाएगा, जो पाकिस्तान है वो इंडिया को अपना एयर स्पेस नहीं देता, तो हमें जब दुबई जाना रहता है तो हम घूम के जाते हैं,
ठीक है ठीक है, हाँ बराबर है ये एकदम एक्सैक्ट। हाँ तो मतलब जो हर एक फ्रीडम है ना, हर एक कंट्री को भी अपना एयर स्पेस। तो फिर जो यूएन का जो आया इस पे वाक्य मतलब बात आई, डिसीजन आया इस पे, तो यूएन ने बोला कि हाँ ठीक है, हाँ भारत ने सही किया है, बहुत ही मतलब भारत के पक्ष में है, भारत के पक्ष में है, जो कि आना लाजमी था, इसमें ऐसी कोई शंका वाली बातें नहीं थी। तो ये फैसला आने के बाद पुर्तगाल को ऑब्वियसली पुर्तगाल जान गया कि ब्रिटिश की तरह तरह हमें भी निकलना पड़ेगा यहाँ, पुर्तगाल का भी वहाँ से वापसी हो जाती रहे वापसी। अब बात आते हैं फ्रांस में, जो फ्रेंच लोग होते हैं ना उनकी एक बातें अच्छी भी लगती हैं कि वो अपने आप को बहुत जेंटलमैन, उनका क्या मानना था कि हमने तो कभी कुछ किया नहीं जोर जबरदस्त, तो जो जनता है वो फेवर हमारा ही है, कॉन्फिडेंस था उनको, कॉन्फिडेंस था उनको, उनको मतलब ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस का फायदा हमारा नहीं उठाते। फ्रांस ने बोल दिया कि एक काम करो आप पब्लिक वोटिंग करा, जनमत संग्रह करवा लो, तो फिर भारत ये बात पे तैयार हो गया। और जितने भी राज्य देखा जाए तो सब बहुसंख्यक हिंदू थे, जो इसमें वोटिंग हुई 126 जो वोट थे वो पड़े हैं फ्रांस के लिए, करीबन 8 से 9 हज़ार वोट पड़े हैं भारत के, एक तरफा जीत थी, कैसे एक तरफा जीत थी भारत की। तो भारत ने फ्रांस को इन्होंने देखा जाए तो टोंड की निगाह से मतलब ऐसा बोला पास किया कि और बाकी राज्यों में भी करा लिया जाए, तो फिर फ्रांस ने बोल दिया नहीं नहीं नहीं, हाँ तब वो समझ गए कि स्थिति बहुत ही गंभीर है, यहाँ से जाना ही बहुत बेहतर होगा। अब बात करते हैं हम लक्षद्वीप, ये भारत ये जान चुका था कि जो पाकिस्तान है वो भूखा है, वो लक्षद्वीप अभी तक किसी के भी दिमाग में नहीं आया हुआ है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को पहले से ही पता चल गया कि अगर पाकिस्तान वहाँ पे पहुँच जाता है तो लक्षद्वीप हिस्सा हो जाएगा पाकिस्तान का, जो कि हम नहीं चाहते थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया कि जो अपनी सेनाएं थे, जो अपनी नौसेना थी, उनको पहले ही रवाना कर दिया कि जाके देखिए वहाँ पाकिस्तान वहाँ पे तो नहीं पहुँच गया है, तो नौसेना भेज दी गई थी। हाँ नौसेना हमारी पहले चली गई थी, यहाँ पे हम कुछ चीजें नहीं जानते, आज की हमारी जनता नहीं जानती है, अगर हम आधे पौने घंटे लेट पहुंचते लक्षद्वीप पे तो आज लक्षद्वीप पाकिस्तान का हिस्सा होता है, हमारा नहीं होता। बात कुछ ऐसी है कि जब हमारी सेना वहाँ पे पहुंची तो लक्षद्वीप वाले देखा जाए तो लक्षद्वीप ऐसा था कि वहाँ के जितने भी लोग थे आदिवासी थे, उनको मतलब कुछ पता ही नहीं था कि दुनिया में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो फिर जब हमारी भारतीय नौसेना लक्षद्वीप पहुँचती है तो वहाँ पे देखा जाए तो जैसे हमने बात की थी कि वहाँ पे काफ़ी लोग मतलब जितने भी लोग थे आदिवासी थे, दुनिया और दुनिया में क्या चल रहा है वो उन्हें मतलब नहीं समझा था, कुछ पता ही नहीं था आदिवासी क्या। आज भी आप अगर देखें कहीं किसी टापू पे चले जाइएगा तो वहाँ के आदिवासी आपको कैसे मिलेंगे, उनको दुनिया कोई उनको लेना देना नहीं होता दुनिया से, ये बात। तो फिर जब हमारी नौसेना पहुँचती है तो नौसेना पहुँचने के बाद में नौसेना ने वहाँ पे तिरंगा गाड़ दिया, और लोग पूछ रहे हैं तिरंगा ये क्या है, तो बोले इसको तिरंगा बोला जाता है, झंडा है इसको तिरंगा बोला जाता है, बोले तो मतलब क्या है, बोले आज से आप लोग भारत के हिस्से में हो, आप मतलब जो आपका लक्षद्वीप है वो भारत में, भारत के हिस्से में। तो बोलते नहीं ये तो यहीं पे है ना, बोलते नहीं है यहीं पे, देखो हिस्सा है भारत, हिस्सा है भारत। तो मतलब समझाने में थोड़ा टाइम लगा वहाँ पे, और समझाने के बाद अगर हम देखें तो जो लक्षद्वीप का नाम भी पड़ा था वो भी वहाँ पे काफ़ी लोगों का नाम लगता था ऐसे, मतलब वहाँ की पब्लिक का ही नाम लेते हैं, पर लोगों ने नाम वहाँ का रखा लक्षद्वीप। अब मजे की बात ये है कि जब भारतीय नौसेना वहाँ से रिटर्न होती है, जब भारतीय नौसेना वहाँ से रिटर्न होती है तो आज मतलब पाकिस्तान आधे घंटे के बाद आता है, पाकिस्तान वहाँ पे पहले से भारत का तिरंगा देखता है, मतलब पाकिस्तान को पहले से पता चल जाता है कि भारतीय नौसेना यहाँ पे पहुँच चुकी है, तो फिर वो हिस्सा हो जाता है लक्षद्वीप हमारे भारत का। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो जिसके चलते प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और आपको भारत के इतिहास के बारे में और जानकारी चाहिए होगी और अपडेट जानना होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कीजिए, और जल्द से जल्द कीजिए, जल्दी जाइए सब लोग घंटी बजाइए। जय हिंद।